हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना अल्ट्रासाउंड के हम कैसे जान सकते हैं कि हमने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। जैसे बहुत सारी ओल्ड वाइफ्स कहती हैं कि इसकी चाल ऐसी है तो बेबी बॉय होगा, इसका खान पान है तो इसको बेबी गर्ल होगी, इसके जो फेस पर है बहुत ज़्यादा ग्लो है तो बेबी बॉय होगा। तो आज हम इस वीडियो में वो सभी सिम्टम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं वैसे बता दूं पर्सनली कि जेंडर प्रिडिक्ट करना इतना इजी बात नहीं है, क्योंकि ये केवल गॉड के हाथ में है। जब तक कि बच्चा बॉर्न ना हो जाए तब तक हम नहीं जान सकते कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। बट कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बड़े लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताए हैं, और उनके बताए जाने पर बहुत सारे रिज़ल्ट पॉजिटिव मिले हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं सारे सिम्टम्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो जैसे बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडी का जो मूड है वो थोड़ी थोड़ी देर में स्विंग होता रहता है, कि अभी वो थोड़ा इरिटेट फील कर रही है, अभी एकदम हैप्पी है, तो मूड का एकदम स्विंग हो जाना भी यह इंडिकेट करता है कि उसने बेबी बॉय को कंसीव किया है। सेकंड वन है कुछ चीज़ों की स्मेल आना, जैसे गैस की स्मेल एकदम से आना, सब्ज़ी की स्मेल आना, कि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज सब्ज़ी नहीं छोप पाती, उन्हें एकदम वॉमिटिंग फील होती है, कुछ हरे धनिए की एकदम स्मेल से वॉमिटिंग करने जाती हैं, तो एकदम से कुछ ऐसी स्मेल होती हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, तो ये भी एक बेबी बॉय होने का बहुत बड़ा सिम्टम्स है। थर्ड वन है हथेली का मुलायम होना। अगर हथेली मुलायम है किसी की तो इट मींस बेबी गर्ल होगी, और अगर उसके फेस पर डलनेस है, कोई रंगत नहीं है, कोई ग्लो नहीं है, तो इट मींस बेबी बॉय होगा। और फोर्थ वन है बैली की शेप। जो एक लेडी होती है अगर उसकी बैली की जो शेप है बिल्कुल गोल है, वो आगे की साइड उभरा हुआ है, आसपास फैला नहीं हुआ है, कोई फैट नहीं है बैली के आसपास, तो ये भी बेबी बॉय को जाता है ये सिम्टम। और जो नेक्स्ट वन है वो है प्लेसेंटा की पोजीशन। प्लेसेंटा की जो पोजीशन है, अगर एंटीरियर है तो इट मींस लड़का, पोस्टीरियर है तो लड़की, बट ये 100% श्योर नहीं है। नेक्स्ट वन है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारी सेकंड प्रेगनेंसी है और हमारा फर्स्ट जो बेबी है वो गर्ल है, कुछ भी हो, गर्ल हो या बॉय हो, और जो हमारा सेकंड प्रेगनेंसी में अब हम हैं, और उस पीरियड के दौरान जो हमारा फर्स्ट बेबी है अगर हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे वो बेबी बॉय हो, तो उसके ओपोजिट बच्चा होता है। जैसे अगर हमारा फर्स्ट बेबी बॉय है तो सेकंड में बेबी गर्ल होगा, और अगर फर्स्ट बेबी गर्ल है तो सेकंड में बेबी बॉय होगा, ऐसा भी कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताते हैं। और नेक्स्ट वन है बेबी की FHR। जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो बेबी की FHR अगर कम आती है तो इट मीन्स बॉय, और अगर ज़्यादा आती है तो इट मीन्स गर्ल। बट अगर मैं पर्सनली बात करूं तो ऐसा नहीं है, अगर बेबी अपने लेजी मूड में है, बेबी स्लीपिंग मूड में है, तो भी बच्चे की FHR कम आती है। तो ऐसा नहीं है कि 100% श्योर नहीं है कि अगर कम आएगी तो बॉय ही होगा, और मतलब ज़्यादा आएगी तो गर्ल ही होगी, तो ऐसा ये जेंडर को प्रिडिक्ट नहीं करता। तो हमें इन सभी बातों पर नहीं जाना, जस्ट फॉर फन सेक मैंने ये वीडियो बनाया है। बट हाँ, ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में ये सिम्टम्स पाए गए हैं तो पॉजिटिवली उनको बॉय हुआ है। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और